हेलो भाई, स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल टेक दीपक रसगोन में। आज हम आपको क्या बताएंगे, ये वीवो का V15 सेट है। इसमें क्या है, डिस्प्ले ऑटोमेटिकली मतलब ऑफ हो जाती है, वैसे सेट ऑन होता है और कितना भी मतलब स्विच दबा दो ऑन ऑफ का ये पर बट ऑन नहीं होती है। तो ये हम आपको करके दिखा रहे हैं, थोड़ा टाइम लेता है और ऑफ होने के बाद में फिर ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होती। तो ऐसे कई मोबाइल आते हैं जिनमें ये केस आता है और क्यों ये प्रॉब्लम आती है, ये वीवो के लिए मतलब स्पेशल नहीं है। ये रियलमी वगैरह किसी में भी कोई भी सेट में अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है, डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है और सेट अपना ऑन रहता है। देखिए तो इसको बिल्कुल टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि प्रॉब्लम किस तरह की किस में आएगी। तो थोड़ी देर में इस चीज़ की प्रॉब्लम ये अपने को दिखने लग जाती है। तो अभी हम इसको सेट को चला रहे हैं, फिर इसको ट्राई करके देखेंगे। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से कि अगर अपना सेट की डिस्प्ले ऑफ हो जाती है और उसके बाद ऑन नहीं होती ऑन ऑफ से, और वैसे सेट ऑन रहता है, कॉलिंग वगैरह सब कुछ आती है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम आपको कम्प्लीटली बताएंगे। अब ये देखिए बिल्कुल मतलब ये ऑफ हो चुका है और कितना भी ऑन ऑफ दबा लो ये ऑन नहीं होगा, चाहे इसमें चार्जिंग इन कर लो कुछ भी कर लो, मतलब ये ऑन नहीं होना है। तो ये प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो ये काफ़ी सेटों में आती है, Y12 में, Y15 में और Realme 7 में, मैंने जिन जिन सेटों में देखा है नॉर्मली मैं उनको बता रहा हूँ। लेकिन ये कॉमनली किस प्रॉब्लम इसकी है, क्या किस चीज़ से ये प्रॉब्लम आती है, तो ये हार्डवेयर का एक सॉल्यूशन है। तो हम पहले सेट को ऑन कर लेते हैं, फिर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। तो इसके लिए आपको एक तो वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी और दूसरी बात, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से वॉच करना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा जब भी आपको ये समझ में आएगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक तो ज़रूर कर देना दोस्तों, अगर अच्छी नहीं लगती तो इसको डिसलाइक कर देना। कुछ भी चीज़ अगर आप करोगे तो मुझे पता तो चलेगा, और एक कमेंट कर देना। तो डिस्प्ले वगैरह हमने इसकी हटा ली है, वैसे डिस्प्ले इसकी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका जो सेंसर है ना, इसको यहाँ से क्लीन करना है, और ये सेंसर है इसको यहाँ से क्लीन करना है, तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो जो अंदर का जो सेंसर होता है मदरबोर्ड में, उसको हमें रिमूव कर देना है, अपना सॉल्यूशन 101% होगा अगर ऐसी सेट पे अपनी प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए मेरे ख्याल से। तो आपका सॉल्यूशन होगा, सेंसर को क्लीन वगैरह करके देख ले, अगर उसमें रबड़ नहीं है सेंसर में तो रबड़ लगा सकते हो आप, ठीक है। डिस्प्ले उसमें कोई डस्ट वगैरह आया तो वो भी आप कर सकते हो, नहीं आप क्या करोगे, आप सीधा ही सेंसर को रिमूव भी कर सकते हो लास्ट एंड फाइनल में। तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो 100% सॉल्व हो जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने कई केसों में ये देखा है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है इस प्रॉब्लम की, अब हम डिस्प्ले वगैरह को फिट कर देंगे। बाकी डिस्प्ले को हटाने की जरूरत नहीं थी, हमको सेंसर को मदरबोर्ड में से भी आप चेक कर सकते थे, उसको साफ कर सकते थे, लेकिन डिस्प्ले में ज़्यादा डस्ट थी तो इसलिए हमने हटाया। तो वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो सपोर्ट किए दोस्तों, और कमेंट जरूर करना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। थैंक यू।